हुए नजर आएंगे दोपहर 12 बजे। इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर है, जहां पुलिस कांस्टेबल ने छात्रों से बदसलूकी की है। कांस्टेबल ने नशे की हालत में बदसलूकी की, कांस्टेबल ने छात्र के साथ मारपीट की। एमपी नगर थाने में कांस्टेबल प्रशांत तिवारी पदस्थ है। बदसलूकी कर रहे कांस्टेबल को लोगों ने घेरा, कांस्टेबल ने छात्र के साथ मारपीट की। एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह ने लाइन हाजिर किया है, तो एक कांस्टेबल की बदसलूकी निकलकर सामने आई है, एक वहां पर छात्र के साथ बदसलूकी की गई है। पुलिस कांस्टेबल ने छात्रों से बदसलूकी की है, नशे की हालत में बताया जा रहा है कि ये पुलिस कांस्टेबल जो कि एमपी नगर थाने में पदस्थ है, प्रशांत तिवारी नाम है, जो छात्रों से बदसलूकी करता हुआ नजर आया, और अब एडिशनल डीसीपी की तरफ से लाइन हासिल किया गया। एमपी नगर थाने से भी आपकी दुकान का बाजू आपके पास से आ रहा है। अरे यार आप रुक तो जाओ, दो मिनट में रुको, क्या नाम बताओ आपका? प्रशांत यादव। अरे यार आप रुक तो जाओ, दो मिनट में रुको, क्या नाम बताओ आपका? प्रशांत यादव। तो एमपी नगर थाने में पदस्थ बताया जा रहा है, और इस मौके पर देखिए जरा छात्रों से बदसलूकी की बात निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद एक छात्र फोन करता हुआ नजर आता है किसी को, और फिर नाम पूछता हुआ इस कांस्टेबल का दिखाई देता है। इस बीच आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी के साथ चुनावी रैली में शामिल होंगे। सोलन में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली है, सोलन के थोडो ग्राउंड में प्रियंका रैली को संबोधित करेंगे, सीएम भूपेश बघेल भी रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में बघेल हिस्सा लेंगे। हिमाचल के सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम भूपेश बघेल। इसी साल हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि इस बार परफॉर्मेंस कैसा रहेगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि हिमाचल के अगर ट्रेंड की बात की जाए तो वहां हर 5 साल में सत्ता बदलने का एक ट्रेंड लगातार बीते कई दशकों से चलता आ रहा है। ऐसे में मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या ट्रेंड बदलने में या ये इस ट्रेंड को कायम रखने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी, या फिर इस बार चीजें बदलती हुई नजर आएगी। हालांकि इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कंधों पर है। उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, और सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वो हिमाचल प्रदेश में कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मॉडल पेश किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, जनता कितनी प्रभावित होती है ये देखने वाली बात होगी। आज प्रियंका गांधी वहां रैली को संबोधित करेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही कांग्रेस कमेटी की हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक भी है जिसमें वो शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को 32% का आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर सरकार से मेरी चर्चा हुई है, सभी वर्गों को अधिकार के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए। ये हाईकोर्ट का मामला आया है, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि यहाँ का भौगोलिक दृष्टि से आदिवासी का 32% है पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से उनको आरक्षण तो मिलना चाहिए। जहाँ पर पहले 30 मिलता था, 32 एकदम 20 पे आ गया हो, तो नेचुरल है कि उनके साथ इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था। और उसके लिए मैंने मुख्य सचिव महोदय से भी, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है मेरी विगत दिनों, और उस पर ये अपने विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं, और जल्दी ही इसको